अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप देख रहे हैं टेक्निकल थर्पे और मैं हूँ अहमद अली। आज के इस वीडियो में हम इंडोर एडिटिंग करना सीखेंगे लाइटरूम ऐप की मदद से। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। चैलेंज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिए। लाइटरूम ऐप को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक पिक्चर ओपन कर लिया है। पिक्चर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने एक्सप्लोरर की सेटिंग्स में आ जाना है। एक्सप्लोरर को बढ़ाना है। एक्सप्लोरर को बढ़ाने के बाद कंट्रास्ट को कम करना है। कंट्रास्ट को कम करने के बाद हाईलाइट को भी माइनस में लेके जाना है। उसके बाद हम शैडो को बढ़ा देंगे। शैडो को बढ़ा देने के बाद फिर वाइटनेस को भी बढ़ा देंगे और ब्लैक को कम कर देंगे हम। उसके बाद आपने लाइट में जाना है। लाइट में जाने के बाद टिम को कम कर देना है और यहाँ पे वाइब्रेंस को थोड़ा सा कम कर देना है और सैचुरेशन को बढ़ा देना है। सैचुरेशन को बढ़ाने के बाद आपने कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद आपने रेड का ह्यू को बढ़ा देना है। यू को बढ़ाने के बाद सैचुरेशन को बढ़ा देना है आपने और यहाँ पे उसके बाद ऑरेंज में जाना है। ऑरेंज में जाने के बाद आपने माइनस उसके बाद येलो में जाना है। येलो में जाने के बाद -20 -100 सैचुरेशन कर देंगे और +40। +40 करने के बाद हमने ग्रीन में जाना है। ग्रीन में ह्यू को 100 और माइनस सैचुरेशन और स्काई ब्लू में जाने के बाद हमने ह्यू को 100 कर देना है और -60 पे ले जाना है इसको। फिर ब्लू में जाएंगे। ब्लू में जाने -100 -100 करने के बाद हमने फिर -66 फिर हम पर्पल में जाएंगे। पर्पल में जाने के बाद हम ब्लू में हम ह्यू ल्यूमिनस का थोड़ा सा बढ़ाएंगे और पर्पल को हम -100 पे ले जाएंगे और -100 को लेकर जाने के बाद हम उसको सैचुरेशन को -71 पे ले आएंगे। -71 पे और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे +100 और -40 और 14 mm। यहाँ पे हम डन करेंगे। डन करने के बाद हम क्लैरिटी में आएंगे। क्लैरिटी को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और अगेन हम लाइट्स में जाएंगे और कर्व पे जाएंगे। कर्व पे जाने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको यहाँ पे पॉइंट बना के हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे लेके आने के बाद आप देख सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पे हम बनाएंगे और इसको थोड़ा सा हम नीचे ऊपर ले जाएंगे। ऊपर लेके जाने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं अगेन रेड में आएंगे। रेड में हम एक पॉइंट को यहाँ पे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे और एक पॉइंट को यहाँ पे बना के इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे। उसके बाद आपने ब्लू में जाना है। ब्लू में जाने के बाद एक पॉइंट हम यहाँ पे बनाएंगे और इसको थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे और एक पॉइंट को हम यहाँ पे बना के इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको
ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे हम डन करेंगे, डन में करने के बाद हम यहाँ पे क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। क्लैरिटी को बढ़ाने के बाद हम यहाँ पे नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस मिड पॉइंट को ज़ीरो कर देंगे, और यहाँ पे इसको हम 100 कर देंगे। इसके बाद आपने शार्पिंग पे जाना है, शार्पिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम। ये देख सकते हैं आपकी फ़ोटो रेडी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।